एक बाप और बेटी मर्जी से बनाते थे शारीरिक संबंध और फिर उस बेटी के बॉयफ्रेंड को पता लग जाता है, उसके बाद होता है ऐसा कांड कि आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मुंबई के रिहायशी इलाके की, जहां पर रुबीना नाम की एक लड़की रहा करती है जिसकी उम्र है 19 साल और उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है असलम जिसकी उम्र है 21 साल और रुबीना का एक पिता है जिसका नाम है इरफान जिसकी उम्र है 43 साल। वह अच्छे से समय गुजार रहे होते हैं, तभी क्या होता है दोस्तों, एक दिन रुबीना का जो बॉयफ्रेंड होता है असलम, वह थाने पहुंचता है और वहां जाकर पुलिस के सामने कहता है कि मेरी प्रेमिका का जो पिता है वह दरिंदगी करता है, उसका रेप करता है, बलात्कार करता है हर रोज। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और फिर रुबीना के घर पहुंच जाती है और जाकर रुबीना और उसके पिता जिसका नाम होता है इरफान, उसको उठा लिया जाता है और फिर थाने में ले जाकर उस पिता से पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो वह जो पिता होता है जिसका नाम इरफान होता है, उम्र 43 साल होती है, वह कहता है कि साहब मैं अपनी मर्जी से नहीं, इसमें मेरी बेटी की भी मर्जी होती है और अपनी बेटी की मर्जी के हिसाब से मैं इसके साथ संबंध बनाता हूँ। पुलिस उसकी बेटी जिसका नाम होता है रुबीना उसको पूछती है तो रुबीना भी कहती है कि हाँ मेरी ही मर्जी से मेरा पिता मेरे साथ संबंध बनाता है। दोस्तों, यह मैटर थोड़ा सा उलझा हुआ रहता है और उसके बाद पुलिस थोड़ी सी सख्ती करती है और अच्छी तरह से पूछताछ करती है और रुबीना से पूछती है कि असली मामला क्या है, सच सच हमें बताओ। तो रुबीना बताने लगती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ जिसका नाम है असलम, जिसकी उम्र है 21 साल और वह मेरे घर भी आ जाया करता है और मेरे साथ संबंध बनाया करता था। तभी एक दिन मुझे उसके साथ संबंध बनाते हुए मेरे पिता ने, इस इरफान ने देख लिया और यह हमारे ऊपर गुस्सा हुआ थोड़ा सा तो, लेकिन उसके बाद यह नरम हो गया और यह कहने लगा कोई दिक्कत नहीं है बेटी, मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे प्रेमी के साथ ही करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले हम एक बाबा के पास चलते हैं झाड़फूंक करने वाले ओझा के पास और उससे कुछ बातचीत करके आते हैं कि यह शादी ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। उसके बाद दोस्तों रुबीना बताती है कि उसका पिता उसे एक झाड़फूंक करने वाले ओझा के पास ले जाता है और वहाँ जाकर उससे कहता है कि मैं अपनी लड़की की शादी इसके प्रेमी से करना चाहता हूँ, क्या यह सही रहेगा। तो वह झाड़फूंक वाला जो ओझा होता है, ओझा बाबा, वह कह देता है कि नहीं, यह बहुत गलत होगा, यह शादी नहीं हो सकती क्योंकि इसकी शादी के बाद इसके बॉयफ्रेंड के मुंह में से खून आने लगेगा, खून की उल्टियां करने लगेगा और एक साल के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाएगी। यह बात देखकर रुबीना घबरा जाती है और उसके बाद फिर वह बाबा कहता है कि इसका एक इलाज है। तो वो दोनों बाप बेटी कहते हैं आखिर क्या इलाज है। तो वह बाबा कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी के साथ संबंध बनाओ एक साल तक, उसके बाद आप इसके प्रेमी के साथ शादी करो तो वह नहीं मरेगा, इसके ऊपर से अलाएँ बलाएँ उतर जाएंगी। दोस्तों, यह बात सुन करके वह नीचे मुंह करके आ जाता है और फिर यह भी कहता है ओझा बाबा या फिर किसी दूसरे लड़के से इसकी शादी कर दो। तो दोनों बाप बेटी अपने मुंह को उतार कर घर की तरफ आ जाते हैं और उदास बैठ जाते हैं। अब वह जो पिता होता है जिसका नाम होता है इरफान, वह अपनी बेटी से कहता है कि बेटी अब तो तुम्हें दूसरे लड़के से शादी करनी होगी, लेकिन उसकी बेटी रुबीना ये कहती है कि नहीं बाबा, मैं किसी दूसरे लड़के से शादी नहीं करूंगी, मैंने तो असलम से प्यार किया है, उसी के साथ शादी करूंगी, उसी के साथ घर बसाऊंगी। दोस्तों, बेटी 19 साल की होती है रुबीना। अब उसका पिता कहता है कि उसके साथ शादी करने के लिए तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाने होंगे, क्या तू ऐसा काम कर सकती है। रुबीना कहती है कि मैं अपने प्रेमी को पाने के लिए मैं किसी के साथ कुछ भी कर सकती हूँ। दोस्तों, उसके बाद रुबीना के और उसके पिता के प्रेम प्रसंद संबंध बनने स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे जब कुछ समय गुजरता है तो जो रुबीना होती है वह यह बात अपने प्रेमी को बता देती है असलम को कि मेरे पिता इस तरह से करता है मेरी मर्जी से और तब मैं तुमसे शादी करूंगी जब यह अला बला टल जाएगी। दोस्तों, असलम यह बात सुनता है और वह परेशान सा हो जाता है, ऐसे समझो जैसे उसे किसी ततैये ने काट लिया हो। वह तुरंत वहाँ से भागता है और पुलिस थाने में जाकर यह सारी घटना पुलिस के सामने बयां कर देता है। दोस्तों, अब पुलिस उस पिता जिसका नाम इरफान होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि उसने झूठ बोलकर यह कांड किया था। वह जो ओझा था, तांत्रिक था, वह इरफान का ही दोस्त था और इरफान ने उससे पहले बातचीत की थी और उसे ये सारी चीज़ें समझाई थी कि ऐसा ऐसा तुझे बोलना है। पुलिस इरफान को अरेस्ट कर लेती है, उस झाड़फूंक वाले को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बाप की जो निर्दयता है इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, एक हवस के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। रुबीना जो कि भोली भाली थी अपने पिता की बातों में आ गई और उसका पिता जो कि दरिंदा था, जिसने अपनी छोटी सी भोली भाली बेटी का फ़ायदा उठाया और अपनी हवस का सामान उसे समझा। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं ऐसे पिताओं के बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, इससे हमें सबक यही मिलता है कि हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो अपनी लड़कियों के साथ अपनी बहनों को नहीं देखते हैं, उनको थोड़ा सा भगवान से डरना चाहिए।
अल्लाह वाहेगुरु गॉड से डरना चाहिए, ये बहुत गलत बात है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर जरूर कर दिया करें, और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।